हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑक्सीजन द सीरीज के एपिसोड 12 का पार्ट 2। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आई रिक्वेस्ट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। फ्रेंड्स, मैं कुछ दिनों से वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी मेरी तबीयत खराब होने की वजह से। तो चलिए फ्रेंड, आज की स्टोरी को हम बिना देर के शुरू करते हैं। सोलो अपने केबिन में बैठा होता है तभी उसका सिक्योरिटी उसके पास आता है और कहता है कि हैटिया, इसे कोई इंटर्न आपसे मिलने आया है। सोलो खुश होकर उसे अंदर भेजने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि गुई आया होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लिंडा आती है। वो सोलो से कहती है कि सॉरी तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए, क्योंकि मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई थी कि मैं भी वहाँ पर इंटर्नशिप करती हूँ। सोलो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। लिंडा कहती है कि मैं कंपनी के कुछ वर्क की वजह से यहाँ पर आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिलते चलूँ। सोलो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ। लिंडा उसके क्लोज जाती है और उससे कहती है कि मुझे याद है जब भी तुम पहले स्ट्रेस हुआ करते थे तब तुम फ्रेश एयर के लिए यहाँ पर आते थे, तुम अब भी पहले जैसे हो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। और ये कहते हुए लिंडा सोलो का हाथ अपने हाथों में ले लेती है। सोलो अपना हाथ लिंडा के हाथ से छुड़ा लेता है और उससे कहता है कि एक्चुअली मैं बदल तो गया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ वर्क के लिए नहीं आया हूँ बल्कि मुझे यहाँ पर कुछ और भी काम है। लिंडा कहती है कि काफ़ी टाइम हो गया है, नॉर्मल सी बात है कि तुम गुई को मिस करते होगे, लेकिन उसके पास तो तुम्हें मिस करने के लिए टाइम है ही नहीं क्योंकि बेचारे को इतना फेस करना जो पड़ रहा है। ये सुनकर सोलो काफ़ी सरप्राइज होता है। वो उससे पूछता है कि गिटार को हुआ क्या है। लिंडा उससे कहती है कि क्यों, क्या उसने तुम्हें अपने डिपार्टमेंट के बारे में अभी तक नहीं बताया है। इतना कहकर लिंडा एक सार्केस्टिक से स्माइल देते हुए वहाँ से चली जाती है। सोलो को कुछ भी समझ नहीं आता कि लिंडा का आखिर कहने का मतलब क्या था, इसलिए वो अपने डैड के पास जाता है और उनसे पूछता है कि गुई को एडमिन डिपार्टमेंट में शिफ्ट करने के पीछे आपका ही हाथ है ना डैड। सोलो के डैड कहते हैं कि मेरी कंपनी है इसलिए ये मुझे हक है कि मैं कुछ भी कर सकूं। सोलो कहता है कि लेकिन आपके पास ये हक नहीं है कि आप गिटार के साथ कुछ भी करें, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। सोलो के डैड उससे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। सोलो कहते हैं कि मैं गिटार से मिलने जा रहा हूँ। उसके डैड कहते हैं कि तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ वर्क करने के लिए रुकना पड़ेगा। सोलो को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहता है कि आप चाहते हो कि आप गुई को ऐसे ही परेशान करो और मैं उसे चुपचाप देखती रहूँ। सोलो के डैड कहते हैं कि हाँ मैं यही चाहता हूँ, और अगर वो सब कुछ सह सकता है तो तुम्हें भी चुपचाप सह लेना चाहिए। सोलो को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उनसे कहता है कि नहीं, मैं ये सब नहीं सहने वाला और मैं अब गुई से मिलने जा रहा हूँ। ये कहकर सोलो जाने लगता है, लेकिन सोलो के डैड बॉडीगार्ड्स को उसे पकड़ने का ऑर्डर दे देते हैं। वो सोलो से कहते हैं कि तुम्हें कल मीटिंग अटेंड करना है इसलिए तुम जाओ, अभी सो जाओ। सोलो ने अपना हाथ छुड़ा लिया होता है। वो उनसे कहता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि मैं अभी गिटार से मिलने जाऊँगा। ये कहकर वो जाने लगता है, लेकिन बॉडीगार्ड्स उसे दोबारा पकड़ लेते हैं। सोलो इस बार भी खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो खुद को नहीं छुड़ा पाता। सोलो के डैड बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दे देते हैं कि वो उसे रूम में लॉक कर दे। जे उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो सोलो के साथ ऐसा ना करे। तभी सोलो जे से कहता है कि उनसे रिक्वेस्ट मत करो जे, क्योंकि वो तुम्हारी बात कभी नहीं सुनेंगे, एक्चुअल में उन्होंने कभी कुछ समझा ही नहीं है। ये सुनकर सोलो के डैड को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि एक्चुअल में तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद वो सोलो को ले जाने का ऑर्डर दे देते हैं। सोलो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुई ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसे सोलो की याद आती है और वो सोलो को कॉल लगाने लगता है। इधर जे कॉल उठाता है क्योंकि सोलो को रूम में लॉक करके उसका फ़ोन ले लिया गया होता है ताकि वो किसी को कांटेक्ट ना कर पाए, लेकिन ये बात तो गुई को पता नहीं होती इसलिए वो फ़ोन पे कहता है सोलो तुम कहाँ थे, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। जे कहता है कि सोलो किसी बिजनेस वर्क के लिए बाहर गया हुआ है और वहाँ पर फ़ोन का सिग्नल ना होने की वजह से वो फ़ोन को मेरे पास छोड़ के गया है। लेकिन गुई को ऐसा लगने लगता है कि वहाँ पर तो कुछ ज़रूर हुआ है, इसलिए वो जे से पूछता है कि वहाँ पर सब ठीक तो है ना। जे गुई से झूठ बोल देता है कि यहाँ पर सब ठीक है। फिर जल्दी ही वो अपनी बात चेंज कर देता है और उससे कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है। गुई कहता है कि हाँ, ये काफ़ी स्ट्रेसफुल है, कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं गिव अप कर दूँ लेकिन मैं गिव अप नहीं कर सकता, ये फील्ड मेरे लिए काफ़ी अनफेमिलियर है इसलिए मुझसे बार बार मिस्टेक्स होती हैं। जे कहता है कि अभी तो ये शुरुआत है, अगर तुम यंग मास्टर के साइड रहना चाहते हो तो तुम्हें ये सारी चीज़ें सीखनी ही पड़ेगी। गुई कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं गिव अप नहीं कर सकता, तुम सोलो से कहना कि मैं ठीक हूँ। जे कहता है कि ठीक है मैं बोल दूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। इसके बाद वो फ़ोन कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोलो के डैड और जे
सोलो से मिलने जाते हैं। सोलो के डैड डोर को ओपन करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं देखते हैं कि चारों तरफ सामान बिखरा हुआ होता है। डोर ओपन होते ही सोलो कहता है कि मैं गिटार से मिलने जा रहा हूँ, और ये कहकर वो जाने लगता है। तभी बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। सोलो के डैड कहते हैं कि तुम नहा लो, तुम्हें वर्क करना है, लेकिन सोलो गई से मिलने की जिद करने लगता है। इसलिए उसके डैड कहते हैं कि तुम सेल्फिश हो, और उसे लॉक करने का ऑर्डर देकर वहाँ से चले जाते हैं। जे को सोलो की ऐसी हालत देखकर काफी बुरा लगता है, लेकिन सोलो के लिए वो कुछ नहीं कर पाता। सोलो भी खुद को हेल्पलेस फील करता है, क्योंकि सिवाय रोने के वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है। सीन कंपनी पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर गुई इंटर्नशिप कर रहा होता है। गुई लास्ट टाइम की मीटिंग रिपोर्ट पैट के पास ले जाकर दिखाता है। पैट उसे चेक करता है और उसे कहता है कि ये ठीक है, तुम्हारे लिए इसे पूरा करके किसने दिया है। गुई खुश होते हुए कहता है कि इसे मैंने खुद ही किया है। पैट कहता है कि वैसे तो अगली बार के लिए मैं तुमसे कुछ भी उम्मीद नहीं करता, लेकिन इस बार तुम लकी हो जो बच गए। अच्छा ये बताओ कि क्या तुमने अभी तक किसी प्रपोजल टॉपिक के बारे में सोचा। ये सुनकर गुई काफी सरप्राइज होता है और कहता है किस तरह का टॉपिक, क्योंकि गुई को इस बारे में कुछ पता नहीं होता है। पैट उसे टॉन्ट करते हुए कहता है कि राइट किस तरह का टॉपिक, वैसे ये बताओ ये टॉपिक कैसे रहेगा कि आजकल के इंटर्न इतने यूजलेस क्यों हो रहे हैं। और वो सार्केस्टिक से स्माइल देते हुए कहता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता है कि टॉपिक क्या होता है। गुई को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो उसे नहीं बताता कि एक्चुअल में वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है। पैट को सॉरी बोलकर चला आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लंच टाइम में गुई नी से टॉपिक के बारे में पूछता है। नी उसे बताती है कि इंटर्नशिप कंप्लीट करने के लिए तुम्हें एक प्रेजेंटेशन टॉपिक को रेडी करना होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले एक थीसिस को कंडक्ट करते हैं। गुई उससे पूछता है कि तो फिर हमें किस तरह का टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए। नी कहती है कि ऐसी कोई भी टॉपिक जो हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो, जो कि बहुत ही इजी है ना। तभी लिंडा गुई से कहती है कि तुम्हें ध्यान रखना होगा कि वो टॉपिक पहले किसी ने ना बनाया हो, वरना तुम्हें अप्रूवल नहीं मिलेगी। गुई नी से पूछता है कि इसे अप्रूवल कौन देगा। नी उससे कहती है कि अफकोर्स हम सब जानते हैं, मतलब कि अप्रूवल डिपार्टमेंट के हेड यानी कि पैट से ही मिलने वाली होती है। तभी लिंडा कहती है कि मेरा लंच तो हो गया, अब मैं जा रही हूँ प्रेजेंटेशन टॉपिक की प्रिपरेशन करने। नी को लिंडा का ये बिहेवियर पसंद नहीं आता, क्योंकि वो समझ जाती है कि वो गुई को डिमोटिवेट करने के लिए ऐसा कर रही है। सीन कैफे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर किम वर्क करी होती है। तभी वो ग्लास मांगती है। तभी डॉक्टर पिच बहुत सारे ग्लास लेकर आ जाता है। उसने एम साइज की ग्लास लाई होती है, इसलिए किम उसे डांटने लगती है और कहती है कि मैंने एल साइज की ग्लास मांगी थी। डॉक्टर पिच कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम किम को क्यों नहीं बुला लेती। किम इस पर और भी ज्यादा नाराज हो जाती है और कहती है कि मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, और अभी तो वो अपनी गेम कास्टिंग के लिए गया है। क्या तुम चाहते हो कि मेरे भाई का फ्यूचर रुइन हो जाए। डॉक्टर पिच कहते हैं कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं चाहता, और वो न्यू ग्लास लाने के लिए चला जाता है। किम पास में ही रखे पिंक मिल्क को ड्रिंक करने लगती है। तभी उसे गुई का कॉल आने लगता है। कॉल उठाते ही किम शुरू हो जाती है। वो गुई से कहती है कि गुई तुमने काफी दिनों के बाद कॉल किया है, तुम कैसे हो। अच्छा तुम तो हैथियाई में हो ना, क्या सोलो तुमसे मिलने के लिए वहां पर गया। देखो अगर तुम लोग बीच पर जाओ तो फोटो लेना मत भूलना, ताकि मैं उसे फेसबुक पेज पर अपलोड कर सकूं। गुई कहते हैं कि शांत हो जाओ किम, मैंने सोलो के बारे में पूछने के लिए ही फोन किया है। दरअसल कई दिनों से मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या वो कभी कैफे पर आया था। किम कहती है कि काफी समय हो गए मैंने भी सोलो को नहीं देखा है, आखिर बात क्या है। गुई कहता है कि मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ किम, अगर तुम सोलो से मिलो तो प्लीज उससे कहना कि वो मुझे कॉल करे। किम कहती है कि ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बिकॉज आई एम स्टिल अनवेल, होप यू अंडरस्टैंड। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।